नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बीज के बारे में पढ़ाया गया था, ठीक है। आज जो है आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग, आसंग जनन एवं बहुभूर्ता के बारे में। इस चैप्टर का यह लास्ट हेडिंग है, आसंग जनन और बहुभूर्ता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पीछे के जो भी इसमें है वो आपको 9 वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए हैं, और यह 10 बीज जो है 10 वीडियो लेक्चर में है। यह आपका वीडियो लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आसंग जनन और बहुभूर्ता के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझें। एनसीईआरटी का पेज नंबर, यह है आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 41। ध्यान से इसको आप लोग समझें। देखें ध्यान से। यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, जो बीज बनते हैं प्लांट्स में, ठीक है, वह किस कैसे बनते हैं? निषेचन के बाद बनते हैं। सामान्य रूप से बीज जो है निषेचन के परिणाम होते हैं, निषेचन के बाद ही बीज बनते हैं। लेकिन कुछ पुष्पीय पादप हैं, जैसे एस्ट्रेसिया तथा घास, में बिना निषेचन की ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, ठीक है। तो कुछ पुष्पीय पादप जैसे एस्ट्रेसिया तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। इसे आसंग जनन कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहेंगे? ठीक है, बिना निषेचन के जो फल पैदा होंगे वह सत्य फल होंगे या असत्य फल होंगे? ये तो उसमें तो बीज बनेगा ही नहीं, ठीक है। बिना निषेचन के अगर हैं तो बीज बने नहीं, तो असत्य फल ही होंगे, ठीक है, बीज नहीं बनेगा उसमें। अब आगे देखें, इसके बारे में और डिस्कस किया जाएगा पहले, और देखें पहले। इस प्रकार से आसंग जनन अलिंगीय प्रजनन है। आसंग जनन कैसा है? अलिंगीय प्रजनन है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं निषेचन की घटना नहीं हो रही है, बिना निषेचन के बीज पैदा हो रहे हैं और फल बन रहे हैं, ठीक है। यह आसंग जनन है, इसे क्या किस में रखेंगे? अलिंगी प्रजनन में। इस प्रकार असंग जनन अलिंगी प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है, ठीक है। असंग जननी बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है। तो आप देख रहे हैं कुछ प्रजातियों में 2N द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण जो है बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, ठीक है। तो कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है कुछ प्रजातियों में बिना अर्धसूत्री विभाजन के, ठीक है, जो बिना निषेचन के ही किसमें चेंज हो जा रहे हैं? भ्रूण में विकसित हो जाता है, ठीक है। प्राय कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश सिट्रस जो फैमिली के हैं, नींबू वंश तथा आम के किस्मों में भ्रूणकोष अर्थात पुटी के आसपास की कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूणकोष में प्रौद्वधि प्रोट्यूड होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो नींबू वंश के हैं या फिर आम की जो स्पीसीज हैं, वह जो है, ठीक है, भ्रूणकोष के आसपास से कुछ बीजांड जो है कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगेंगी और यह जो है एक भ्रूणकोष में प्रोट्यूड होंगी और भ्रूण का निर्माण करेंगी, भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। इस प्रकार से जो होता है उसमें प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं, ठीक है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थित होगी तो उसको क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहते हैं।
जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। संतरे के कुछ बीजों को लें, उन्हें मरोड़ें तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार और आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। आसंग जनन भ्रूणों की अनुवांशिक प्रकृति क्या होगी, क्या उन्हें क्लोन कहा जा सकता है? ठीक है, तो जो आसंग जनन से तैयार हो रहे हैं, वह जो बीज हैं वह भिन्न भिन्न आकार के हैं। संतरे के बीज को ही ले लें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वह भिन्न भिन्न आकार के होंगे। तो इसके लिए कुछ प्रश्न हैं। आसंग जनन किसे कहेंगे, जो बिना निषेचन के फल, ठीक है, बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ले तो उसे क्या कहेंगे, आसंग जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे आज संतरा दिया गया, संतरा को आप मरोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बीज निकलेंगे छोटे बड़े आकार के, उनका अवलोकन करें और भ्रूण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बहुत से हमारे खाद्य और साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है, ठीक है, बहुत सारे आप हाइब्रिड ब्रांड लाकर अपने खेतों में उगाते हैं, तो बहुत से हमारे खाद्य खाने वाली वस्तुएं और साग फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है, हाइब्रिड को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। जो संकर सीड मिलते हैं उनकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, अर्थात उत्पादकता क्या हो जाएगी, विस्मय रूप से विचित्र तरीके से बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया जाना चाहिए। संकर बीजों की समस्या है कि उन्हें हर साल आपको नया बीज लेना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है, उसके द्वारा तैयार हुए प्लांट से जो बीज बनेगा उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, हर साल आपको नया बीज लेना पड़ेगा, यह प्रॉब्लम है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म की संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतत पृथक्कृत होगी और वह संकर बीज की विशेषता को यथावत नहीं रख पाएगा। ठीक है, अगर संकर बीज से आप प्लांट तैयार किए हैं और उस प्लांट के बीज को आप इकट्ठा करके रखे हैं और उसको फिर बो रहे हैं, ठीक है, तो पादप संतति जो होगी वह अलग तरह के पौधे बनेंगे और उनके जो क्वालिटी होगी वह क्वालिटी गिर जाएगी। ठीक है, उसकी विशिष्टता जो है, उत्पादन की क्षमता है, वह सब घट जाएगी। ठीक है, विशिष्टता यथावत नहीं रह पाएगा। ठीक है, यदि यह संकर बीज असंग जनन से तैयार की जाती है, अगर जो संकर बीज तैयार हो रहा है किस तरीके से तैयार जाए, असंग जनन से तैयार हो, तो संकर संतत में कोई पृथककरण की विशेषता नहीं होगी। अगर संकर बीज असंग जनन से तैयार होगा, ठीक है, तो संकर के जो इस संतति हैं उनमें कोई पृथककरण की विशेषताएं नहीं होंगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो है संकर बीज को कैसे तैयार किया जाए, असंग जनन से तैयार किया जाए, तो संकर संतति में कोई पृथककरण विशेषता नहीं होगी और उस बीज को बार बार किसान जो है अपने खेतों में बोने के लिए यूज कर सकते हैं बार। ठीक है, इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कब नहीं पड़ेगी, जब संकर बीजों को आसंग जनन से तैयार की जाती है तब ऐसा होगा। संकर बीज उद्योग में आसंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में आसंग जनन की अनुवांशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंग जनित जीन को स्थानांतरित करने का अध्ययन चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संसार के अलग अलग प्रयोगशालाओं में, ठीक है, असंग जनन की अनुवांशिकता को समझने की कोशिश की जा रही है और संकर किस्मों में असंग जनित जीन को डालने का, ठीक है, असंग जनित जीन को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं ताकि संकर बीज में असंग जनित जीन डाल दिया जाए ताकि हर वर्ष नया बीज न खरीदना पड़े मार्केट से, बार बार उसको बोया जा सके और अच्छी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा संकर किस्मों के बारे में। इससे पहले आपने आसंग जनन और बहुवर्ता पढ़ा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जो है पेज नंबर एनसीईआरटी का 41 आपका यह कंप्लीट हुआ और यह अध्याय दो अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अब थोड़ा सा आप जो भी इस चैप्टर में आप पढ़े टोटल, थोड़ा सा इसको एक बार रिवीजन कर लिया जाए सारांश, ठीक है। तो स्टार्ट में आपने पुष्प के बारे में पढ़ा था। पुष्प आवृत बीजियों के लैंगिक जनन के आधार है। पुष्प जो है वह आवृत बीजियों के क्या है, लैंगिक जनन के आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि पुष्प में ही नर और मादा जनन अंग पाए जाते हैं और परागण की क्रिया पुष्प के माध्यम से ही संपन्न होती है, और ठीक है, और उसके बाद जो है फल और बीज बनते हैं। तो पुष्प से ही शुरुआत होती है लैंगिक जनन की, इसीलिए पुष्प आवृत बीजियों के लैंगिक जनन के आधार है। पुष्प में पुंकेसर के पुमंग, ठीक है, पुष्प में पुंकेसरों के पुमंग संगति नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुष्प में जो पुमंग होता है जिसमें पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसरों में क्या बनते हैं, परागकण। यह किसका काम करेगा, यह नर जनन अंग का काम करता है। जबकि स्त्री केसर के जायांग संगति मादा जनन अंग का काम करती है। जो स्त्री केसर में जायांग होता है वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, वह किसका काम करता है, मादा जनन अंग का कार्य करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो पुष्प आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार हैं, लैंगिक जनन के आधार हैं, ठीक है। पुष्पों में पुंकेसर की पुमंग संगत नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्त्री केसर के जायांग संगत मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें आगे। एक प्रारूपी पराकोष, एक पराकोष कैसा होता है, तो एक प्रारूपी पराकोष द्विपालित होता है। पराकोष जो है द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी होता है तथा चतुष्क बीजाधारी होता है, ठीक है। तो एक पराकोष के बारे में आप पीछे पढ़े थे, पराकोष कैसा होता है, तो पराकोष के फिगर में आपने देखा कि पराकोष जो है द्विपालित होता है और उस दोनों पालियों में कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, ठीक है, चतुष्टक होता है, ठीक है, चतुष्क बीजाणुधान होते हैं और उसमें क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। चतुष्क बीजाणुधान में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। तो एक प्रारूपिक पराकोष द्विपालित होता है, द्विकोष्ठी होता है और चतुष्क बीजाणुधानी होता है। पराग कण लघु बीजाणुधानी के अंदर विकसित होते हैं। पराग कण किसमें बनते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। चार भित्ति परतें, ठीक है, लघु बीजाणुधानी में कितनी परतें पाई जाती हैं, चार भित्ति परतें होती हैं, अंतस्तचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टैपिटम। सबसे अंदर कौन सी परत होती है, टैपिटम होती है, जो क्या करती है, लघु बीजाणु को भोजन देने का काम करती है, लघु बीजाणुधानी को आवृत किए होती हैं। तो आप देख रहे हैं चार भित्ति परतें जो है लघु बीजाणुधानियों को घेरे रहती हैं। सबसे बाहर क्या होता है, अंतस्तचा, उसके अंदर अंतस्थीसियम, उसके बाद मध्य परत और सबसे अंदर टैपिटम होता है। बीजाणु जन ऊतक की कोशिकाएं लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होती हैं। जो बीजाणु जन ऊतक कहाँ होते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए लघु बीजाणुओं की रचना करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा विभाजन होगा, बीजाणु जन ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। प्रत्येक लघु बीजाणु व्यष्टि रूप में पराग कण के रूप में विकसित होते हैं। तो प्रत्येक लघु बीजाणु जो है आगे चलकर किसे बदलते हैं, पराग कण में विकसित होते हैं, ठीक है। पराग कण नर युग्मक जनन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पराग कण जो है वह नर युग्मक जनन पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पराग कणों में दो सतही भित्ति होती है। पराग कण में आपने देखा था कि पराग कण जो है यह नर युग्मक जनन पीढ़ी है और पराग कण में दो लेयर होते हैं, बाहर बाह्य चोल और अंदर की ओर अंतस्चोल कहलाता है। बाह्य चोल
जो है स्पोरोपोलेनिन नामक कार्बनिक पदार्थ से चारों तरफ से घिरा होता है और उसमें एक जगह खाली होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं। बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन का बना होता है और जनन छिद्र युक्त होता है। स्पोरोपोलेनिन जो है ताप से कोई भी सी भी एंजाइम से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके बारे में आप पढ़े हैं। परागकण में अवनमन के समय दो कोशिकाएं, जब परागकण जो है गिरता है तो वह दो कोश की या त्रिकोश की अवस्था में झड़ता है, तो अवनमन के समय दो कोशिकाएं कायिक कोशिका तथा जनन कोशिका, या फिर तीन कोशी अवस्था में तीन कोशिका, एक कायिक कोशिका तथा दो नरीमुख हो सकती है। ठीक है, आइए अब स्त्री केसर के बारे में देखते हैं। स्त्री केसर में तीन अंग होते हैं, स्त्री केसर में तीन अंग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। ठीक है, बीजांड में एक डंठल होता है जिसे कीपिका या फंकल कहते हैं, तथा दो संरक्षात्मक आवरण तथा एक द्वार जिसे बीजांड द्वार कहते हैं होता है। बीजांड काय में स्थित केंद्रीय ऊतक है, बीजांड काय में स्थित केंद्रीय ऊतक है जहाँ प्रसूतक विभाजित होता है। प्रसूतक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होते हुए एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोष अर्थात पुटी, एक स्त्री युग्मोद्भिद की रचना करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में आप विस्तृत पढ़े हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोष सात कोश की होता है और आठ न्यूक्लिएट होते हैं। सात कोश की होता है और आठ न्यूक्लिएट होते हैं, तीन ऊपर तीन नीचे और दो बीच में। ठीक है, बीजांड द्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण एप्रोटस में दो सहाय कोशिकाएं और एक अंड कोशिका सहायित होती है। ठीक है, बीजांड द्वारी शीर्ष पर अंड उपकरण में दो सहाय कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। निभाग छोर पर तीन प्रतिव्यसांत होते हैं। ठीक है, केंद्र में दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई के साथ एक बृहद केंद्रीय कोशिका होती है। तो यह सारी संरचनाएं आपके बीजांड में होती हैं। ठीक है, भ्रूणकोश में आप फिगर देखे थे उसमें यह सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। परागण एक प्रक्रम है, उसके बाद आप परागण हेडिंग पढ़े थे। परागण एक प्रक्रम है जिसमें परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है। परागण एजेंट कारक या तो अजीवी होते हैं, हवा और पानी होते हैं, या फिर जीवी प्राणी होते हैं। ठीक है, पराग स्त्री केसर संकर्षण के अंतर्गत वे सभी घटनाएं शामिल होती हैं जो वर्तिकाग्र पर परागकण के अवनमन झड़ने से शुरू होकर भ्रूणकोश के पराग नली में, जब पराग सुयोग्य होते हैं तभी पराग नली बनती है नहीं बनती है, प्रवेश या पराग के संदमन, जब पराग अयोग्य होते हैं तो उनको रोक दिया जाता है पराग नहीं बन पाती है, तक की क्रिया होती है। ठीक है, तो कैसे यह जानते हैं लोग, तो केमिकल एक्सचेंज होता है तब पता चलता है कि योग्य है कि अयोग्य है। इसके आगे सुयोग्य परागकण वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरित होता और परिणाम स्वरूप पराग नलिका का वर्तिका के माध्यम से वृद्धि करना, बीजांड में प्रवेश और अंत में एक सहाय कोशिका में दो नर युग्मकों का विसर्जन होता है। रास्ता कौन दिखाता है? फिलीफार्म अपरेटस दिखाता है, तंतु रूप। ठीक है, आवृत्त बीजी दोहरा निषेचन प्रदर्शित करते हैं क्योंकि प्रत्येक भ्रूणकोश में दो संगलन या संलयन फ्यूजन, मुख्यतः युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होते हैं। अंड कोशिका से मिलता है नर युग्मक, तो युग्मक संलयन क्या होता है, जाइगोट बनता है, युग्मक संलयन होता है, और सेंट्रल न्यूक्लियस से मिलता है केंद्रीय न्यूक्लियस से जो दो होते हैं उनसे एक मिलता है तो त्रिसंलयन होता है, जिससे कोश बनता है। आगे देखें, इन संलयनों संगलनों का परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का परिणाम होता है। ठीक है, यह युग्मनज भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका भ्रूणपोष ऊतक गठित करते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण सदैव भ्रूण के विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है,
विकासशील भ्रूण कई विभिन्न चरणों से गुजरता है, जैसे कि प्राग भ्रूण, गोलाकार हृदयाकार आकृति चरण और इसके बाद परिपक्वता। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र तथा प्रांकुर चोल सहित एक भ्रूणी अक्ष तथा एक बीजपत्रा धार होता है। ठीक है, यह आपने देखा था फिगर। एक बीजपत्री के भ्रूण में एक अकेला बीजपत्र होता है, निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में तथा बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है। ठीक है, आसंग जनन नामक एक परिघटना कुछ आवृत बीजियों में विशेष रूप से घास कुल में पाई गई है। यह बिना निषेचन के बीज की रचना का परिणाम है। बागवानी और कृषि विज्ञान में असंग जनन के बहुत सारे लाभ होते हैं। कुछ आवृत बीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना या दृश्य प्रवंच को बहुभ्रूणता कहा जाता है, पॉलीएम्ब्रियानी कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका अध्याय 2 का सारांश था। ठीक है, जिसके बारे में आप ठीक है पूरा डीप में 10-11 वीडियो लेक्चर में आप अध्याय 2 पढ़े बायोलॉजी का। तो इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें, समझें, जहाँ नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।